ब्रह्मांड के भूले हुए कोनों में अंधेरे में डूबा एक क्षेत्र मौजूद है जिसे केवल सृजन के रसातल के रूप में जाना जाता है। किंवदंतियां आदिम शून्य से पैदा हुई एक इकाई के बारे में बताती हैं, जो न तो दिव्य है और न ही राक्षसी, बल्कि एक विसंगति है जो समझ से परे है। विस्पर्स इसे ए बोनहॉट कहते हैं, जो भगवान की काली रचना है। बहुत पहले जब आकाशीय देवताओं ने ब्रह्मांड की रचना की, तो उन्होंने अनजाने में इस एल्ड्रिच बल को जन्म दिया। जीवन को जन्म देने वाले सितारों और गर्मी देने वाले सूरज के विपरीत एबोनहॉट भय, दर्द और निराशा पर पनपा। इसने संवेदनशील दिमागों की सबसे अंधेरी जगहों को खा लिया और अपने पीछे बिखरी हुई आत्माओं का निशान छोड़ दिया। जैसे जैसे सभ्यताएं बढ़ी, वैसे वैसे इस ब्रह्मांडीय विपथन की फुसफुसाहट भी बढ़ी। हताश साधक अपनी महत्वाकांक्षा से अंधे होकर निषिद्ध कब्रों में घुस गए और निषिद्ध अनुष्ठानों का आह्वान किया, एबोनहॉट से शक्ति की मांग की। उनकी वफादारी के बदले में इसने उन्हें अलौकिक क्षमताएं प्रदान की और उन्हें राक्षसी नौकरों में बदल दिया। ऐसा ही एक पंथ प्रमुखता से उभरा, जिसका नेतृत्व डाक पैगंबर नामक व्यक्ति ने किया। उनके उत्साह की कोई सीमा नहीं थी और उन्होंने एबोनहॉट की अतृप्त भूख को शांत करते हुए अराजकता और पीड़ा फैलाई। जैसे ही उन्होंने निषिद्ध मंत्रों का जाप किया, वास्तविकता स्वयं विकृत होने लगी और अस्तित्व के ताने बाने में एक विशाल आंसू ने एबोनहॉट की आंखों की रोशनी को उजागर कर दिया। दुनिया अंधकार के युग में डूब गई, जहां छायाएं अस्वाभाविक रूप से नाचने लगी और बुरे सपने भौतिक भयावहता के रूप में प्रकट होने लगे। लोगों के दिमाग में पागलपन घर कर गया और यहां तक कि सबसे बहादुर दिल भी कांप उठे। हताशा ने असंभावित नायकों के एक समूह को इस द्वेष के स्रोत का सामना करने के लिए एक खतरनाक यात्रा पर निकलने के लिए मजबूर किया। उनका मार्ग उन्हें विकृत परिदृश्यों और भयावह आयामों के माध्यम से ले गया, क्योंकि उन्हें अपने स्वयं के डर की अंधेरी गूंज का सामना करना पड़ा। एक रहस्यमय भविष्यवाणी से प्रेरित होकर वे सृजन के रसातल के केंद्र में चले गए, जहां वास्तविकता स्वयं एक सुझाव मात्र थी। वहां उनका सामना एबोनहॉट से हुआ, जो ऑब्सीडियन टेंड्रिल्स और दम घुटने वाले शून्य का घूमता हुआ भंवर था। इसके बाद हुई लड़ाई ने तर्क को खारिज कर दिया, क्योंकि प्रकृति के नियम ही विकृत हो गए और उनके खिलाफ हो गए। एबोनहॉट ने रहस्यों को फुसफुसाया, जिससे उनके दिमाग खुल गए और इसके स्पर्श से एक कभी ना खत्म होने वाले शून्य के दर्शन हुए। लेकिन नायक अपनी मानवता पर अड़े रहे और अपनी आंतरिक शक्ति को विनाशकारी अंधेरे के खिलाफ आशा के हथियार बनाने में लगाया। जैसे ही लड़ाई अपने चरम पर पहुंची, नायक एबोनहॉट के रूप को तोड़ने में कामयाब रहे, जिससे ऊर्जा का एक प्रलयकारी उछाल आया, जिसने रसातल को अलग कर दिया। वास्तविकता वापस अपनी जगह पर आ गई और दुनिया पर पंथ की पकड़ ढीली हो गई। नायक जख्मी विजेताओं के रूप में उभरे, जो भगवान की काली रचना के साथ मुठभेड़ के कारण हमेशा के लिए बदल गए। लेकिन फुसफुसाहट जारी रहती है, जिससे पता चलता है कि बिखरने के बाद भी एबोनहॉट का द्वेष बना रहता है, भय और पीड़ा की गहराइयों से निराशा के अगले युग के पुनर्जन्म की प्रतीक्षा कर रहा है। आज की कहानी इतना ही, फिर मिलेंगे अगली कहानी में। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।